सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आज मैं आया हूँ यामा एसआई मोटर शोरूम में, जो कि रेजीनगर मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल पर है। गाइस आप में से अगर कोई भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर मेरे इस स्कूटी को खरीदना चाहते हैं तो मैं शोरूम का प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। गाइस शोरूम में आपको अच्छे खासे डिस्काउंट भी मिल जाएगा बाइक प्राइस में और स्कूटी के प्राइस में। साथ ही साथ गाइस अगर आप चाहते स्कूटी को ऑनलाइन से बुकिंग करना, तो मैं शोरूम का जो ऑनलाइन बुकिंग का नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। उसके अलावा अगर आप चाहते शोरूम में आना तो आप आ सकते हैं। और गाइस और एक बात, इस शोरूम में आपको टेस्ट राइड के ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो पहले आप आइए स्कूटी को टेस्ट राइड करिए, उसके बाद आपको स्कूटी अच्छी लगे तो परचेस करिए। तो गाइस आज हम जान लेते इस फैसिनो के, जो यामा बोल रहे हैं इसका फैसिनो का हाइब्रिड मॉडल में आपको क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलेगा, जो कॉस्मेटिक चेंजेस है वो क्या क्या है, साथ ही साथ इसका फाइनली प्राइस रखा है यामा ने, यही सब चेंजेस और यही सब फीचर्स के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। और गाइस आपके पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लीजिए, ताकि इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो के एंड में आपको सब कुछ समझ में आ सके। उसके साथ ही इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टा और फेसबुक दोनों साइड में जाकर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद मुझे DM भी कर सकते हैं, मैं आपको उधर ही तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हेलो गाइस, मैं हूं रूपम और आप देख रहे हैं आरके रूपम चैनल। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कूटी का फ्रंट के साइड के बारे में। जी हाँ गाइस, ये जो फैसिनो का जो 125 सीसी FI का जो हाइब्रिड वेरिएंट है, हाइब्रिड वेरिएंट में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो इसका हेडलाइट। जी हाँ गाइस, अभी आपको फैसिनो में LED हेडलाइट मिलेगा विद DRL के साथ, और ये जो DRL है वो भी आपको LED के साथ ही देखने को मिल जाता है। दूसरा जो चेंज हुआ है स्कूटी में वो इसका ग्राफिक्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इसमें आपको बहुत सारा अभी न्यू कलर देखने को मिल जाता है। गाइस अभी जो कलर देख रहे हैं इसका न्यू ब्लू कलर है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आई कचिप टाइप का लग रहा है इसका कलर। और आप लोग देख सकते होंगे फैसिनो के जो एम्बलम आते थे पहले वो आपको स्टिकनिंग के साथ ही देखने को मिलते थे, लेकिन अभी आपको 3D एम्बलम देखने को मिलेगा इस फैसिनो की मॉडल में, जो कि इसका एक न्यू अपडेट है। उसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे गाइस में आपको एक हुक मिल जाता है, और पैर रखने की जो जगह है उसमें आपको थोड़ा ग्राफिक्स करा है न्यू, मतलब जो पहले पुराना वाला मॉडल में आते थे वो वाला हटाकर आपको एक न्यू ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। नीचे आपको फैसिनो लिखा हुआ भी मिल जाता है। ओवरऑल स्कूटी की अगर हम बात करें तो पहले से और भी ज़्यादा क्लासिक टाइप का देखने में लग रहा है, जैसा कि TVS का जो जुपिटर क्लासिक का मॉडल है कुछ उस टाइप का, मतलब वैसा तो नहीं लेकिन कुछ क्लासिक और यूनिक टाइप का लग रहा है इसका मॉडल। अगर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये फैसिनो का मॉडल आपको कैसा लग रहा है देखने में। और एक इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें स्कूटी में वो है इसका इंजन। गाइस इसमें आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर फैन कूल 4-स्ट्रोक FI V6 कॉम्प्लाइंट इंजन मिल जाता है, और इस इंजन में आपको मिल जाता है 8.2 PS @6500 RPM के साथ पावर, और टॉर्क आपको मिलता है 10.3 न्यूटन मीटर टॉर्क @5000 RPM के साथ। अभी बात करें गाइस इस फैसिनो की हाइब्रिड का मतलब क्या है, मतलब यामा इस हाइब्रिड को मॉडल को क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ गाइस, इसका जो पावर और टॉर्क है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जब आप स्कूटी का लेकर खड़ाई में चढ़ाएंगे तब इसका जो हाइब्रिड का जो फीचर्स है वो एक्टिव हो जाता है, मतलब इसका जो टॉर्क है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए यामा ने इसको हाइब्रिड फीचर्स बोल रहा है। उसके अलावा सीट के नीचे आपको एक हुक मिल जाता है, और सामने की ओर एक आपको हुक भी देखने को मिलेगा, जिससे आप थोड़ी बहुत जो सामान होते हैं आप कैरी कर सकते हैं इजीली से। गाइस अभी आप लोग देख रहे होंगे इसका जो सीट है थोड़ा यूनिक टाइप का सीट दिया गया है, डुअल टोन कलर के साथ इसका सीट दिया गया है, और सीट पहले से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्ट टाइप का हो जाता है। और गाइस इसका सीट हाइट की अगर हम बात करें तो 780 mm की सीट हाइट मिल जाता है। अभी बात करें गाइस इसका अंडर स्टोरेज के बारे में, इसमें आपको सीट के नीचे 21 लीटर की स्टोरेज मिल जाता है, इजिली से आपको एक फुल साइज हेलमेट ये स्कूटी में आ जाएगा। तो ये जो फीचर्स है ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पहले हाफ हेलमेट साइज आते थे लेकिन आपको अभी फुल हेलमेट साइज इस स्कूटी के अंडर स्टोरेज में आपको मिल जाता है देखने में। उसके साथ ही गाइस बात करें इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, इसमें आपको
5.2 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है। ओवरऑल स्कूटी के काफ वेट की अगर हम बात करें गाइस, इसमें आपको 99 किलोग्राम की वेट इस स्कूटी में आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ गाइस अभी बात करें इसका और एक इंपॉर्टेंट और चेंज फीचर्स के बारे में, मतलब जो इस हाइब्रिड मॉडल में चेंजेस हुआ है। सबसे बड़ा चेंज है इसका मीटर कंसोल जी। हाँ गाइस, इसमें आपको पहले एनालॉग मीटर कंसोल मिल जाता है, लेकिन अभी आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, जो कि आपको रेस रेडर में देखने को मिलते थे। वही सेम टाइप का मीटर कंसोल अभी आपको फैसिनो में दिया गया है यामा कंपनी ने। गाइस इस मीटर कंसोल में आपको बहुत सारे फीचर्स दिया गया है। इसमें आपको जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर है यामा का, वो भी मिल जाता है देखने में। गाइस इस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में आपको बहुत सारे जो फीचर्स मिलते हैं वो है आंसर बैक, मतलब कॉल अलर्ट। आप आपके मोबाइल में जब भी कोई मिस कॉल या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आएगा कॉल के बारे में, वो आपको इस डिस्प्ले में शो करेगा। दूसरा जो है इसका राइडिंग हिस्ट्री, आप कहां से स्कूटी को चला रहे वो भी हिस्ट्री आपको इस मीटर कंसोल में शो करेगा। तीसरा जो है इसका लोकेट बाय व्हीकल, अगर आप आपका स्कूटी को कहीं पर जगह पर अगर आप पार्किंग करेंगे तो बिजली से आपका स्कूटी को आप देख सकेंगे आप कहां पर इसको पार्किंग करा है। और चौथा जो फीचर है ये मुझे सबसे बढ़िया और सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और ये पहली बार भी है जी। हाँ गाइस, इसमें आपको कोई भी हैजर्स की एक्स्ट्रा स्विचिंग नहीं दिया गया है स्कूटी में। आपको इस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के माध्यम से जो हैजर सिस्टम है वो आप ऑन कर पाएंगे। जी हाँ गाइस, मोबाइल से आप इसका जो चारों इंडिकेटर है उसको जला पाएंगे। तो ये जो फीचर्स है मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और जो पाँचवा फीचर है वो है इसका पार्किंग रिकॉर्ड, आप कहाँ पहाड़ पर इसको पार्किंग करा है वो जो रिकॉर्ड है, ये सब कुछ आप इस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के माध्यम से आपका जो स्कूटी का डिस्प्ले है उधर शो करेंगे। तो ये जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स है आप बताना कमेंट करके आपको ये कैसा लगा। साथ ही गाइस बात कर लेते हैं इसका सस्पेंशन। जी हाँ गाइस, इसमें आपको टेलीस्कोपिक फॉक मिल जाता है फ्रंट में, और रियर में आपको मिल जाता है यूनिक स्वीट टाइप सस्पेंशन। और अभी बात कर लेते हैं गाइस इसका माइलेज। जी हाँ गाइस, आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फैसिनो के माइलेज अभी क्या दे रहे हैं, तो गाइस मैं बता देता हूँ क्योंकि अभी तक इस स्कूटी को मैंने नहीं चला है। जो कंपनी बोल रहा है इसमें आपको 45 से लेकर 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इजिली से ये फैसिनो आपको दे देगा। और गाइस अगर आपके पास ये फैसिनो है तो आप बताना जरूर कमेंट करके मुझे, इसमें आपको कितना माइलेज आप पा रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस फ्रंट में आपको 90x90 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, रियर में आपको मिलता है 110x90 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर। दोनों टायर आपको ट्यूबलेस दिया गया है। और गाइस आप लोग देख सकते हैं इसका जो रिंग का क्वालिटी है वो पहले से थोड़ा चेंज हुआ है। और इसमें आपको एक चेंजेस हुआ है वो है इसका फ्रंट फेंडर। जो फ्रंट फेंडर आप लोग देख रहे होंगे ये आपको फाइबर के, मतलब फाइबर के साथ पहले आते थे, लेकिन अभी आपको फुल्ली मेटल का दिया गया है। इससे कोई भी छोटे मोटे जो अगर एक्सीडेंट हो तो इससे बच सकता है। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके साथ ही यामा का जो ब्रेकिंग सिस्टम आता है यूवी ब्रेकिंग सिस्टम इस स्कूटी में आपको मिल जाता है। और फ्रंट की तरफ आपको डिस्क मिल जाता है इस वेरिएंट में, इसमें आपको 190mm की डिस्क साइज मिल जाता है। और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। और साथ ही साथ गाइस बात करें इसका स्विचिंग सिस्टम के बारे में, इसमें आपको लेफ्ट साइड के हैंडल में मिलता है पासिंग लाइट की स्विच, अपर डिपर की स्विच और इंडिकेटर की स्विच, और ठीक उसके नीचे आपको एक छोटा सा हॉर्न का स्विच भी मिल जाता है। और राइट साइड के हैंडल में आपको एक ऑटो कार्ट की जो, मतलब ऑटोमेटिक जो स्टार्टिंग के फीचर्स है उसका एक स्विच मिल जाता है। और ठीक उसके नीचे आपको एक हेडलाइट ऑन ऑफ की स्विच मिल जाते हैं जो कि आपको पहले नहीं मिलते थे। और ठीक उसके नीचे आपको एक सेल्फ के बटन भी मिल जाता है। उसके साथ ही गाइस लास्ट और फाइनली बात कर रहे थे स्कूटी का प्राइस के बारे में। गाइस ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं इसका हाइब्रिड वाला वेरिएंट है, इसमें आपको फ्रंट डिस्क के साथ एक टोटल पैकेज मिल जाता है। और इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको मिलता है 92,571 रुपीज, जो कि इसका ऑन रोड प्राइस कोलकाता के प्राइस है। और गाइस अगर आप जानना चाहते हैं आपका स्टेट में कितना प्राइस है इसका, प्लीज आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपका नियर बाय यामा शोरूम में जाकर। और अगर आप गाइस जानना चाहते हैं इस शोरूम का प्राइस क्या है, तो मैं इस शोरूम का टोटल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ पर जाकर आप शोरूम से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह के बाइक रिलेटिव ए टू जेड वीडियो का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि इस चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।